हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद पैरोबिट। तो आज हम टूटू को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब आंगन में ही उसको लेके जाएंगे, ज़्यादा दूर ऐसे लेके नहीं जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको गुड़हल के पेड़ के पास लेके आई हूँ और ये फूल को डर रही है और इसको यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं बैठा देती हूँ यहाँ पे। टूटू कभी कभी खुद से ही बाहर निकल जाती है और हमें पता भी नहीं रहता है। जब ये आवाज़ देती है बाहर निकल के, तब हमको पता चलता है। एक बार ये बाहर निकल के जो मेन गेट है उसके ऊपर बैठी थी और वहीं से आवाज़ दे रही थी, फिर हम लोग देखे कि ये कहाँ पे है, तो फिर जाके पता चला कि ये बाहर में निकल के बैठे। और शाम हो गया था उस टाइम पे काफ़ी, मतलब कि 6-7 बज गए थे। हम लोग बहुत डर गए थे और ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, ऐसी बाहर निकल के खेलते रहती है, घूमते रहती है। तो अब ये अंदर जाना चाह रही है, तो ये आ गई मेरे पास और ये फूल को बहुत ज़्यादा डर रही है। तो अभी मैं इसको थोड़े देर और बैठाऊंगी, लेकिन ये बैठना नहीं चाह रही है शायद, तो हम इसको अंदर लेके चलेंगे अभी। आप भी कभी कभी अपने पैरोट्स को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वहाँ पे बिल्ली वगैरह ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।